बाजार में ही ट्रेडर्स की परेशानी होती है। अगर आप कल यूएस में ट्रेड कर रहे होते, मंदी में होते तो बड़े स्टॉप लॉसेस कट होते, और तेजी में होते तो भी बड़े स्टॉप लॉसेस कट होते। 1100 पॉइंट का इंट्राडे स्विंग, दोनों तरफ का ऐसा मूवमेंट, बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं डेटा देख रहा था सर, नैसडैक में ये जो ऑलमोस्ट 6% की कल रिकवरी हुई है, 2008 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब 4% से ज्यादा इंडेक्स गिरा था और फिर उतना ही रिकवर होकर बंद हुआ। तो 14 साल बाद ऐसा मूव हमने आते हुए देखा है बाजार में। टीम, इसमें एक सिंपल सी चीज यही है कि जिस तरह के मार्केट, जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, एबनॉर्मल सिचुएशन है। आप हमेशा विश्लेषण नॉर्मल सिचुएशन का कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एबनॉर्मल सिचुएशन का विश्लेषण करना किसी के बस की बात नहीं है जी। और यहाँ मतलब है ना, इस तरह के मूव होते हैं वो दिमाग से कम होते हैं, दिल से ज्यादा होते हैं जी। मतलब वो खेल पूरा का पूरा इमोशंस का है, भावनाओं का है। सुबह ओपनिंग के वक्त आपके लिए फियर फैक्टर हावी है, क्लोजिंग के वक्त ग्रीड फैक्टर हावी है, ग्रीड ना करे तो उस वक्त भी फियर है कि बढ़ जाएगा तो शॉर्ट काटनी है। मतलब, और सबसे बड़ी चीज है, लालच से भी डर वाला फैक्टर ज्यादा तेजी से काम करता है। आपको लालच है कि जल्दी से पैसा बन जाएगा, बड़ा पैसा बन जाएगा, चलो शेयर खरीदते हैं जी। तब भी आप दो बार सोचते हैं, लेते हैं धीमे धीमे, लेकिन डर वाला जो फैक्टर है ना, और गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये जल्दी काम करता है। चाहे वो डर तेजी की तरफ का हो, चाहे डर मंदी की तरफ का हो। मंदी की तरफ आप ये करेंगे कि और गिरने वाला है, और गिरने वाला, मेरा बेच दूं, और जब रिकवरी आती है तब भी ऐसा लगता है कि बस ये तो अब रुकेगा नहीं, भागेगा, तो और बेच दें। या फिर रिकवरी में कई सारे लोग वो भी होते हैं कि शॉर्ट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अब अगर सपोज यूएस 1100 पॉइंट और रिकवर हो और आपने 500 पॉइंट की रिकवरी पर ही शॉर्ट कर दिया तो एग्जैक्टली सो आप इस तरह के मार्केट में सबसे बढ़िया तरीका दीप जो है ना, चाहे वो कहीं के भी बाजार हो, अमेरिका के हो, हमारे हो, कहीं के भी हो, जिस तरह की तेज गिरावट हुई और एक तरफा गिरावट हुई, आखिरी एक घंटा छोड़ दें, आधा घंटा, पौन घंटा छोड़ दें, तो कहीं कोई रिकवरी थी ही नहीं। खैर, हमारे बाजार पे बाद में आते हैं, उससे पहले कल अमेरिका में जो कुछ हुआ, कल तो खैर पावेल साहब ने थोड़ा बचा लिया आकर अपने स्टेटमेंट के हिसाब से कि चलो ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन रोज रोज कौन बचाएगा। दूसरी बात यह कि बाकी जो बातें चल रही कि यूक्रेन और रशिया के बीच का तनाव, क्या कल ही हुआ अचानक से, सबको पहले से बताया। कल और खबरें वो भी है कि ताइवान में कुछ अमेरिका ने अपने ट्रूप भेजे हैं, जो चाइना ताइवान पर कब्जा करने की जो कई कोशिश कर रहा है, क्या अचानक से चाइना ने कल शुरू किया, जी नहीं, कई सालों से चल रहा है। लेकिन आप दो चीजें होती है, एक तो बाजार को गिरने का बहाना चाहिए होता है, और दूसरा ये कि गिरने के बाद हम बहाना ढूंढते हैं तब पता चलता है। तो जो बाजार को गिरने का बहाना चाहिए था, ब्याज दरों का या फिर टेपरिंग का, वो तो वो पहले 5-7 दिनों से अमेरिकी बाजार और ढूंढ ही चुके हैं। कल जो एकदम से हुआ हमारे बाजारों में, उसके बाद हमने बहाना ढूंढना शुरू किया कि ऐसा दुनिया में क्या हो रहा है जो हमें पता नहीं था। अब हमें नहीं पता था, वो प्रॉब्लम हमारी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो कुछ हो रहा है, वो अगर आपको मुझे नहीं पता तो वो मेरी आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है, वो पहले से पता है। और इसलिए कल मैं दिन में ये भी बात कर रहा था कि देखिए, अगर इतना खराब है तो फिर डाउ फ्यूचर क्यों नहीं खराब हो रहे थे, 225 पॉइंट तब तक ऊपर थे। चाइना ताइवान में जो हो रहा है वो हमें नहीं पता था, इसका मतलब ये नहीं कि पहले से नहीं हो रहा, वो तो बाद में बहाने ढूंढने वाली बात है। दीप, देखिए सिंपल सी चीज यही है, ग्लोबल मार्केट्स आपको स्टेबल तभी होंगे फेड की मीटिंग के बाद। बिल्कुल, जब तक फेड की मीटिंग होनी, जो आज से शुरू होगी, कल तक चलेगी, परसों सुबह जब हम आएंगे बाजार में, तो हमारे यहाँ स्थिति साफ होगी कि फेड ने क्या कहा है और क्या करने वाला है। एक चीज अच्छी बात है वो ये कि फेड की इस अहम बैठक के पहले अमेरिकी बाजार हल्के हो गए, पहला और हो रहे हैं। दूसरी अच्छी बात ये कि फेड मार्केट फ्रेंडली माना जाता है, फेड को मालूम है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है कि लोग डिस्टर्ब हो जाएं। सो हो सकता है फेड बाजार के मूड माहौल को देखते हुए और बाजार के डर को देखते हुए अपनी कमेंट्री थोड़ी सी लाइट कर ले, एग्रेसिव न जाए कि भाई अभी हम है ना वो पुराने तीन वाले पे ही रहेंगे, तीन ही बार बढ़ाएंगे, फिर जरूरत हुई तो देखेंगे, बस इतना ही चाहिए, बस खाली इतना भी बोल देना तो बाजार के लिए काफी कि भाई हम जरूरत होगी तो आगे बढ़ाएंगे। जरूरत होगी तो हमेशा ही बढ़ाओगे भाई, कौन सी नई बात मालूम है, वो सबको मालूम है। लेकिन अभी से बोलने की क्या जरूरत है कि चार बार बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, अभी से बोलने की जरूरत क्या है कि बॉन्ड तो खरीदना बंद करेंगे कि बेचेंगे। और अगर हमें लिक्विडिटी की समस्या दिखी, हमें लगता है कि इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा तो हम बॉन्ड नहीं बेचेंगे। करेक्ट, मतलब ये सारी चीजें हैं जो शायद थोड़ी सी सूदिंग रिलीफ देने वाले स्टेटमेंट अगर फेड की तरफ से आ जाए तो फिर एक बढ़िया सेशन हमारे लिए बन सकता है। और तो मेरे ख्याल से ये तो अमेरिका का माल, और इसी के साथ जोड़कर देखें तो चूंकि हमारी एक्सपायरी भी है गुरुवार को,
कल छुट्टी है, परसों एक्सपायरी, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी जो दिक्कत है वो एक्सपायरी तक की थोड़ी सी ज्यादा है, तो एक्सपायरी के बाद हो सकता है हम भी थोड़ी रिलीफ देखने की कोशिश करें। तो दो फैक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं उसी तरह मेरे ख्याल से दो दिन आपको निकालने, आज और गुरुवार का, मुश्किल से अगर आपने ये दो दिन बचा लिए अपने आप को तो आप बच गए समझ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सामने आगे बजट नहीं है। Please subscribe our channel and hit the bell icon for latest and fastest stock related news.